Hello children, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will study class 5 mathematics NCERT chapter 11 area and its boundary. ये हमारा part 2 है, इसमें हम page number 149 से 155 तक cover करेंगे. But before that, please like, subscribe, share my channel. Thank you. Now my belt is longest. इसमें क्या करना है? Take a thick paper sheet of length 14 cm. आपने एक paper sheet ली जिसकी की length है 14 cm और width है 9 cm. अब आपको आप एक old postcard भी ले सकते हैं. अब इसका area निकालो. तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, रेक्टेंगल का फॉर्मूला. तो लेंथ है 14 और ब्रेथ है 9, तो 14 इंटू 9 कितना होता है 126. तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया. ओके, अब पेरीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के? 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला. 2 एज इट इज लिखा. अब एल कितना है? 14. ब्रेथ कितनी है? 9. अब 14 प्लस 9 कितना हो गया? 23. तो 2 इंटू 23 कितना हो गया? 46 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर हो गया 46 सेंटीमीटर और एरिया हो गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपसे बोला है नाउ कट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइजेस आउट ऑफ इट. अब आपका ये जो रेक्टेंगल था ना 14 और 9 का, अब आपको इक्वल स्ट्रिप्स काटनी है. पतली पतली इस तरह से इक्वल स्ट्रिप्स काट दीजिए. ओके, स्ट्रिप्स कट करनी है. ठीक है, तो मैंने एक ये पोस्ट कार्ड लिया, इसकी मैंने स्ट्रिप्स कट करी. तो ये लेंथ तो थी इसकी 14 और जो विथ थी 9. तो मैंने क्या करती हूँ, एक एक सेंटीमीटर विथ की मैं स्ट्रिप्स कट करती हूँ. ठीक है, तो मेरे पास कितनी स्ट्रिप्स आ जाएंगी? टोटल 9 स्ट्रिप्स आ जाएंगी. ओके, तो ये देखो काउंट करके देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. ठीक है, ये 9 स्ट्रिप्स हो गई मेरे पास. ठीक है, पतली पतली मैंने स्ट्रिप्स कट कर दी. अब क्या किया, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, एंड टू एंड से ज्वाइन किया टेप लगा के. तो जैसे एक स्ट्रिप हुई है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे छोटी छोटी बना देती हूँ. तो ये 14 1 सेंटीमीटर, इनको कट किया तो ऐसे ही तो होंगी. फिर अगली मैंने जोड़ी 14 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप, फिर मैंने इसमें अगली ज्वाइन कर दी 14 सेंटीमीटर की. इस तरह से मेरे पास टोटल कितनी स्ट्रिप्स हैं? 9 स्ट्रिप्स हैं. तो मैं टोटल लंबी 9 स्ट्रिप्स को जोड़ती जाऊँगी तो वो एक लंबी सी स्ट्रिप बन जाएगी. ठीक है, ठीक है, एक बहुत ही लंबी सी स्ट्रिप बन जाएगी जिसकी विथ तो होगी वही 1 सेंटीमीटर, बट ये 14 सेंटीमीटर की उसमें ना 9 स्ट्रिप्स जुड़ जाएंगी. ठीक है, ऐसे एक स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, ऐसे थर्ड स्ट्रिप, ऐसे करके 9 स्ट्रिप्स को ज्वाइन करके मैंने एक स्ट्रिप बना ली. तो बोला है हाउ लॉन्ग इज़ योर बेल्ट, तो मेरी बेल्ट कितनी लंबी हुई? तो देखो एक सेंटीमीटर एक स्ट्रिप की लेंथ थी 14 सेंटीमीटर, अब मैंने जोड़ी है 9 स्ट्रिप्स, तो पूरी लेंथ कितनी होगी? तो 14 इंटू 9 कर दूंगी मैं, तो आ जाएगा सिंपल सा 126 सेंटीमीटर हो गई मेरी स्ट्रिप्स, मेरे इस की लेंथ हो गई 126 सेंटीमीटर. अब पेरीमीटर कितना हुआ? तो देखो मेरी ये जो स्ट्रिप थी, यहाँ मैं साफ साफ बना दी, 1 सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर हो गई मेरी न्यू स्ट्रिप की लेंथ. तो अब इसका पूछा पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होगा, 120 लेंथ 2 एल प्लस बी, ये तो पेरीमीटर होता है. 2 एज इट इज़ लिखा. लेंथ कितनी है? 126. ब्रेथ कितनी है? 1. तो 2 एज इट इज़ लिखा, 127 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 254 सेंटीमीटर ये आ गई इसकी पेरीमीटर. ओके, दिस हूज बेल्ट इज़ द लॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट किसकी बेल्ट होगी? तो जिसने सबसे पतली पतली स्ट्रिप्स कट करी होंगी तो उसकी बेल्ट लॉन्गेस्ट होगी. हमें क्योंकि चौड़ी बेल्ट किसकी है वो नहीं देखना है, किसकी सबसे लॉन्ग है वो देखना है. तो जिसने पतली स्ट्रिप्स कट करी होंगी वो उतने उतने को ज्वाइन करता जाएगा आपस में, तो उसकी सबसे लंबी बेल्ट होगी. अब डिस्कशन का पॉइंट है यहाँ पे कि व्हाई डिड सम ऑफ योर फ्रेंड्स गेट लॉन्गर बेल्ट्स देन अदर्स, कि आपके कुछ फ्रेंड्स की बेल्ट बाकियों से लंबी क्यों थी. सिंपल सा कि अगर देखो जितनी आप लंबी पतली स्ट्रिप कट करोगे ना उतनी ही लंबी बेल्ट होगी. जैसे अगर ये 9 सेंटीमीटर था और ये 14 सेंटीमीटर था, अगर मैं सिर्फ 3 स्ट्रिप कट करती तो 14 की मैं 3 ही तो स्ट्रिप ज्वाइन कर पाती, तो ये कितनी लंबी होती, 14 इंटू 3 जितना लंबी होती. बट अगर मैं और पतली पतली स्ट्रिप्स कट करती तो और लंबी मैं ज्वाइन कर पाती. तो इसलिए सबकी बेल्ट अलग अलग हो सकती हैं लंबी. अब इज़ द एरिया ऑफ योर बेल्ट इज सेम, क्या आपकी बेल्ट का एरिया सेम है एज दैट ऑफ द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड? क्यों नहीं है? तो क्या एरिया सेम है? तो एरिया तो देखो आप चाहे बेल्ट को कैसे भी लगा लो एरिया तो सेम ही होगा. एरिया क्यों सेम होगा? क्यों, अगर देखो ये पोस्ट कार्ड है, एरिया क्या होता है, ये पूरी चीज़ एरिया है ना. तो आपने इस पोस्ट कार्ड को चाहे आप पतली पतली कैसे भी किसी भी शेप में कट कर दो और उसको ज्वाइन करके आप कैसे भी लगा दो, ठीक है, तो
जो स्पेस ये अब कवर कर रहा है वही स्पेस ये उस टाइम पे कवर कर रहा होगा, तो एरिया तो चेंज नहीं हो सकता, बट जो बाउंड्री होती है मतलब कि जो उसका पेरीमीटर है वो चेंज हो सकता है, बट एरिया चेंज कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आपने पोस्ट कार्ड का ही तो यूज़ किया है और पूरे पोस्ट कार्ड का यूज़ किया है। तो जैसे मैं आपको एक बार बताऊँ, मेरी लेंथ कितनी थी, 126 सेंटीमीटर थी मेरी लेंथ जो थी, और 1 सेंटीमीटर इसका विथ था। तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो 126 इंटू 1 करोगे तो अब भी देख लो 126 सेंटीमीटर² एरिया ही आया, और पहले भी जब हमारी ये था इस तरह से था 14 और 9, तब भी एरिया 126 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तो हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया। ओके, अब वॉट विल यू डू टू गेट अ लॉन्गर बेल्ट नेक्स्ट टाइम। अब आपको और ज़्यादा लॉन्गर बेल्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, हम बस उस स्ट्रिप्स को और पतला पतला कट कर देंगे तो हमें और ज़्यादा लॉन्गर बेल्ट मिल जाएगी। जैसे कि और पतला कैसे करेंगे, जैसे अभी तो हमने 1-1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप कट करी है ना, 1-1 सेंटीमीटर की, तो और पतला करने के लिए हम इसमें यहाँ पे 0.5 मतलब आधा आधा सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स कट कर देंगे तो ये और लंबी हो जाएगी हमारी बेल्ट। बिकॉज पीपल पीपल एवरीवेयर, यू कैन प्ले दिस गेम इन द ग्राउंड। आप ग्राउंड में भी ये गेम खेल सकते हैं। क्या करना है आपको, मेक 2 स्क्वायर्स ऑफ 1 स्क्वायर मीटर ईच। आपको 2 स्क्वायर बनाने हैं और उनका एरिया कितना होना चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड इन टू साइड, है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इन टू साइड, और इसी को कहेंगे। अब साइड इन टू साइड 1 आए तो उसके लिए 1 कैसे आएगा, जब 1 इंटू 1 करेंगे तभी तो 1 आएगा, तो मतलब कि 1 मीटर उसकी साइड होनी चाहिए। एक स्क्वायर की साइड कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। तो आप एक स्क्वायर बनाइए, जो जैसे कि अगर मैं ये स्क्वायर बना रही हूँ तो इसकी हर एक साइड 1-1 मीटर की होनी चाहिए, तो इसका एरिया कितना हो गया, 1 स्क्वायर मीटर ईच। ऐसे करके आपको 2 स्क्वायर बनाने हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब क्या है, ट्राई, अब आपको डिवाइड योर क्लास इन 2 टीम्स और आप अपनी क्लास को 2 टीम्स में डिवाइड करिए, एक हो गई ए दूसरी होगी बी। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर, आप कितने बच्चे 1 स्क्वायर मीटर, जैसे ये जो एरिया है ये 1 स्क्वायर मीटर का ही तो हुआ, तो कितने बच्चे आप बैठ सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्टैंड इन इट, कितने आप खड़े हो सकते हो, तो अराउंड 2 बच्चे तो ईजिली बैठ जाएंगे 1 स्क्वायर मीटर में, और खड़े तो शायद 3 अराउंड हो जाएंगे। ठीक है, अब विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन स्टैंड इन देयर स्क्वायर। अब कौन सी टीम में ज़्यादा, कौन सी ऐसी टीम होगी ए या फिर बी जिसमें कि ज़्यादा बच्चे खड़े हो पाएंगे स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर्स के अंदर, टीम ए के जैसे इसमें खड़े होंगे, टीम बी के इसमें, तो किस में ज़्यादा खड़े होंगे। एंड विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन सिट, और किस टीम के ज़्यादा बच्चे उस स्क्वायर्स में बैठ पाएंगे, तो ये आप करके देखिए अपनी क्लास में। नाउ मेजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम। आप अपने जो लेंथ है अपने क्लासरूम की वो मेजर करिए और उसकी विथ भी मेजर करिए। तो जैसे अगर ये आपका क्लासरूम है तो ये लेंथ हो गई उसकी, ये विथ हो गई। ठीक है, ब्रेथ और लेंथ, तो आप ये मेजर करिए, इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इस क्लासरूम का पूरा एरिया पता चल जाएगा कि कितना स्पेस है इसके एरिया में। नाउ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम, तो आप अपना एरिया बताइए। जैसे कि एक आप एग्जांपल ले लो, ये 10 है और ये 5 है, 5 लेंथ हो गई, 10 विथ हो गई, तो कितना एरिया हो गया आपका, ये क्या है, अगर आपका ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो इस तरह से होगा 5 और 10, तो 5 इंटू रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का 5 लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज़ 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके आप लिख देंगे। अब हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन आर देयर इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो जैसे अराउंड 40 बच्चे हैं तो आप लिख दीजिए हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर में कितने बच्चे बैठ पाएंगे। तो आपने जैसे 1 स्क्वायर मीटर का जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन बनाया था वैसे आप बनाइए, 1-1 साइड का लेंथ लेके स्क्वायर बनाइए और कितने बच्चे बैठ पाएंगे, तो अराउंड 2-3 स्टूडेंट्स आराम से बैठ जाएंगे। ओके, इफ़ यू वॉन्ट टू मूव अराउंड ईजिली देन हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू थिंक शुड बी देयर इन 1 स्क्वायर मीटर। अब अगर आपको इस तरह से बैठना है कि आप आराम से चल फिर मतलब आपको जैसे स्क्वायर में बैठे हैं बच्चे और आराम से यहाँ से निकल भी पाएँ और बिना किसी को डिस्टर्ब करें, तो आराम से 2 बच्चे तो ईजिली बैठ जाएंगे 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ शेयर द लैंड। अब क्या है, नसरीना इज़ अ फार्मर, नसरीना एक फार्मर है हु वॉन्ट्स टू डिवाइड हर लैंड इक्वली अमंग हर 3 चिल्ड्रन। वो अपने लैंड को उसके तीन बच्चे हैं उनमें वो इक्वली डिवाइड करना चाहती है, चुमकी, झुमरी एंड इमरान, ये 3 बच्चे हैं। शी वॉन्ट्स टू डिवाइड द लैंड सो दैट ईच पीस ऑफ लैंड हैज़ 1 ट्री। अब जैसे आपको इस लैंड में दिख रहा होगा ना, ये लैंड है, इसमें कितने ट्रीज़ हैं, 1, 2, 3 ट्रीज़ हैं, तो वो इस तरह से डिवाइड करना चाहती है कि हर एक बच्चे को एक एक ट्री मिल जाए और उसका लैंड इस तरह से दिखता है। इस तरह से डिवाइड करना है कि इक्वल आए सबके पास एरिया और ईच पर्सन, हर एक पर्सन के पास एक एक ट्री भी आए।
और हर एक पर्सन का एरिया आप कलर करिए यहाँ पे. ईच पेज, इफ़ ईच स्क्वायर ऑन दिस पेज इज़ इक्वल टू 1 square meter ऑफ द लैंड. अब अगर हर एक स्क्वायर जो ये जैसे अभी हमने पढ़ा, एक एक वो जो पूरे स्क्वायर सारे स्क्वायर्स बने हुए थे ना, अब उसमें क्या बोला है हमसे कि एक स्क्वायर अगर आप मान लीजिए कि एक स्क्वायर 1 square meter का है, मतलब कि एक स्क्वायर की हर एक स्क्वायर की लेंथ भी 1 meter है और ब्रेथ भी 1 meter है, तो 1 meter स्क्वायर हो गया हर एक स्क्वायर का एरिया है ना. तो ऐसे इसमें तो बहुत सारे स्क्वायर्स होंगे, तो हाउ मच लैंड विल ईच ऑफ हर चिल्ड्रन गेट, तो हर एक चिल्ड्रन को कितना लैंड मिलेगा. पहले तो हम इसका एरिया निकालते हैं, ये जो लैंड है. अब ये देखिए इसकी लेंथ कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meter तो हो गई इसकी लेंथ. अब ब्रेथ और विथ देखिए इसकी कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meter हो गई इसकी लेंथ. तो लेंथ इसका एरिया कितना आया, एरिया इस लेंथ इस रेक्टेंगल लैंड का कितना आया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कितना आ गया 90 meter square. अब तीन बच्चे हैं है ना, तो तीन बच्चों में जब एरिया डिवाइड होगा तो 90/3 कर देंगे. तीन बच्चे हैं और टोटल एरिया हमारे पास 90 है, तो कितना एरिया आएगा एक के पास 30 meter square. तो एक बच्चे के पास एरिया आएगा 30 meter square. बट हमें लैंड को डिवाइड करना है इस तरह से कि हर एक के पास 1-1 tree भी आए. तो हम देखते हैं हमने कैसे डिवाइड किया है, इक्वल है या नहीं. ये आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे ये ग्रीन वाला पार्ट है, तो ठीक है इस ग्रीन में 30 squares आए हैं और हमें पता है कि एक बच्चे को हमें 30 ही squares देना है. इस तरह से पिंक वाला पार्ट आप काउंट करके देख लीजिए, मैं आपको एक दिखा देती हूँ. तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गए स्क्वायर्स, ऐसे ही 5 ये हो गए 15. नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्क्वायर्स ये हो गए और 1, 2, 3 और हो गए. तो 15 + 12 + 3 ये आपस में मिलके कितने हो गए 30 squares. तो पिंक वाले लैंड में भी कितने स्क्वायर्स हैं 30, ऐसे ग्रीन वाले में भी 30 हैं और वॉयलेट वाला जो पर्पल वाला है या आप काउंट करेंगे तो उसमें भी 30 हैं. तो तीनों को इक्वल लैंड मिला है. तो यहाँ पे हर एक बच्चे को कितना लैंड मिला है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30. कैसे, 90/3 करा तो फिर 30 आ गया. नाउ चुमकी, झुमरी एंड इमरान नीड टू वायर टू मेक अ फेंस. अब सबको जैसे ये वाले जो वायर होते हैं ना, इसको फेंसिंग वायर्स बोलते हैं. जैसे हर एक फील्ड में एक के चारों तरफ लगा देते हैं, जैसे कोई जंगली जानवर या कोई ऐसा नुकसान करने ना आ जाए तो उनसे लगा उनके लिए लगाते हैं. नाउ हु विल नीड द लॉन्गेस्ट वायर फॉर फेंसिंग. अब किसको सबसे ज़्यादा वायर चाहिए होगा और हाउ मच वायर इन ऑल विल द थ्री नीड, और तीनों को मिला के कितना वायर चाहिए होगा तीनों के लैंड को मिला के. ये था हमारे पास लैंड. अब सबका एरिया कितना है 30, 30 और 30. बट एरिया तो सेम है, बट ज़रूरी नहीं है कि सबका पैरीमीटर भी सेम हो. पैरीमीटर जब पता होगा तभी तो हम फेंसिंग कर पाएंगे. जैसे पूरी लेंथ है इसकी, लेंथ ब्रेथ और ये इसकी पूरी बाउंड्री है ग्रीन वाले की, तो ये इसका इस जब तक हमें इसका पैरीमीटर अभी कोई रेक्टेंगल तो है नहीं कि हमें इसका पैरीमीटर निकल पाए. तो पैरीमीटर हमें क्या होता है, किसी भी चीज़ की टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री. तो इसकी जो पूरी लेंथ है बाउंड्री की वो हम निकालेंगे तो हमें इसका पैरीमीटर मिलेगा. इसी तरह से इसका भी और इसका भी. और जब तीनों का पैरीमीटर मिल जाएगा तो हम वायर से फेंसिंग कर सकते हैं. बट अगर एरिया तो सबका सेम है बट ज़रूरी नहीं है कि पैरीमीटर भी सेम हो. अब वो कैसे, तो देखिए आप इस क्वेश्चन में. तो अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए कितनी स्क्वायर्स हैं, 3 squares हैं. अभी हम चुमकी का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. फिर यहाँ पे ये कितने स्क्वायर्स थे आपने काउंट किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ गए यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ से आप कैलकुलेट करिए, 1, 2, 3, 4, 5 और आ गए. अब ये है साइड वन है ना, प्लस वन कर दीजिए. फिर यहाँ पे भी वन है, फिर प्लस वन कर दीजिए. फिर यहाँ पे भी वन है, फिर प्लस वन करिए. फिर यहाँ भी वन है, फिर प्लस वन करिए. अब फिर यहाँ से आप काउंट करिए तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और काउंट कर लीजिए. तो जब आप इनको ऐड करेंगे आपस में, ऐड करिए, अब कितना हो गया इन सब सारे नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे, तो 9 + 3 = 12, 12 + 5 = 17, नाउ 17 + 7 = 24, नाउ 24 + 4 = 28. दूसरे वाले लैंड का पेरीमीटर काउंट करिए, तो ये कितनी लेंथ हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया, ठीक है. 3 sides ये हो गई 3, नाउ 2 ये हो गया, ओके. नाउ ये कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sides ये हो गई. नाउ ये 1, ध्यान से ये प्लस 1, फिर यहाँ पे भी प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस 1, फिर ये प्लस 1, ओके. नाउ ये प्लस 1 और फिर ये वाली साइड काउंट करिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
प्लस सेवन ये हो गए। तो ये जब आप काउंट करेंगे 5 + 3 = 8 + 2 = 10 + 6 = 16 + 17 = 18 + 19 = 21 + 21 + 7 = 28 तो ये भी हो गई 28। इसमें भी आपको 28 मीटर फेंसिंग चाहिए और इसमें भी आपको 28 मीटर की फेंसिंग चाहिए। अब थर्ड वाला हम काउंट करते हैं, थर्ड लाइन। अब थर्ड लाइन में इधर है 2, नौ इधर थे 9, ओके। फिर ये है 4, प्लस 4 किया। अब यहाँ पे ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 + 6 करिए, नाउ +2, ओके, नाउ +3। तो ये कितने हो गए, 9 + 2 = 11, 11 + 4 = 15, 15 + 6 = 21, 21 + 2 = 23, नाउ 23 + 3 = 26। तो ये हो गई 26 मीटर। तो अब आपको दिख रहा होगा कि एरिया तो तीनों का सेम है, बट इसका पेरीमीटर 28 मीटर, इसका पेरीमीटर 28 मीटर और इसका पेरीमीटर 26 मीटर। ये तो है पेरीमीटर, और एरिया तीनों का कितना है, 30 मीटर स्क्वायर। इसका भी 30 मीटर स्क्वायर, इसका भी 30 मीटर स्क्वायर। तो आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई चीज़ एरिया अगर किसी चीज़ का ज़्यादा हो सकता है, नहीं सेम है, अगर दो चीज़ों का एरिया सेम है तो ऐसा हो सकता है कि उनका पेरीमीटर कम ज़्यादा हो। ज़रूरी नहीं है कि पेरीमीटर सेम ही हो तभी एरिया सेम होगा। मच वायर इन ऑल विल द थ्री नीड, तीनों को मिला के कितना वायर चाहिए, और सबसे लॉन्गेस्ट वायर, हु विल नीड द लॉन्गेस्ट वायर, तो चुमकी और झुमरी को लॉन्गेस्ट वायर चाहिए वो जो कि 28 मीटर है। एंड हाउ मच वायर तीनों को मिला के, तो 28 + 28 + 26, इनका जब तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 82 मीटर। हमको 82 मीटर वायर चाहिए। आप वीडियो पॉज करके आंसर यहाँ से देख सकते हैं किसका कितना पेरीमीटर है। द टेबल, लुक एट द टेबल, इफ़ यू वर टू राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज विच कॉलम वुड यू चूज़। अब अगर आपको एरिया लिखना होगा तो आप कौन सा कॉलम चूज़ करोगे, जैसे हैंकरचीफ की लेंथ कितनी होती है, तो फिर उसका एरिया उसके ऊपर डिपेंड करता है ना हमारा एरिया, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर तो सब में है कैसे, जैसे कि अगर कोई मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस कोई भी चीज़ मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, उसका अभी ये आप रेक्टेंगल भी मान सकते हैं, इसको स्क्वायर भी मान सकते हैं। मानिए कि इसकी साइड है 1 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और ये है 2 मीटर, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया, 4 मीटर स्क्वायर, है ना। अब वहीं पे इसकी अगर साइड होती 2 मीटर की जगह 2 किलोमीटर होती, और यहाँ पे भी 2 किलोमीटर होती, तो इसका एरिया हो जाता 4 किलोमीटर स्क्वायर। और वहीं पे इसकी साइड 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर होती, नंबर कुछ भी हो सकता है आगे, बट साइड्स के जो पीछे यूनिट लिखी है ना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं, ऐसे ही 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आते हैं, तो इस तरह से एरिया भी लिखा जाता है। अब पूछा आपसे हैंकरचीफ का, तो हैंकरचीफ तो छोटा होता है ना, सेंटीमीटर में ही होती है उसकी लेंथ, कोई मीटर में तो होता नहीं है, तो आपका उसका एरिया कितना, किस में लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर में। अब साड़ी है, साड़ी आपको पता है कि मीटर में होती है, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, किलोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। और पेज ऑफ बुक, बुक आपको पता है कि सेंटीमीटर में आता है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर में उसका एरिया हो गया। स्कूल लैंड, स्कूल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो आप यहाँ पे वो उसका एरिया कितने आएगा, स्क्वायर किलोमीटर में, तो आप स्क्वायर किलोमीटर में लिख दीजिए। टोटल लैंड ऑफ सिटी, कोई एक सिटी है, जैसे कोई सिटी है उसका लैंड किस में आएगा, तो उसका लैंड भी आएगा स्क्वायर किलोमीटर में। डोर ऑफ योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम का डोर किस में आएगा, आपके क्लासरूम का डोर आएगा स्क्वायर मीटर में। चेयर सीट, जो आपकी सीट है उसका वो किस में आएगा, वो आएगी स्क्वायर सेंटीमीटर में। नाउ ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड आएगा स्क्वायर मीटर में। इंडियन फ्लैग, जो फ्लैग है वो किस में आएगा, अब देखो फ्लैग तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हो, छोटा भी बनाते हो, अगर छोटा फ्लैग बनाओ या बड़ा फ्लैग बनाओ तो वो हम लिखेंगे स्क्वायर मीटर में। नाउ लैंड ओवर विच अ रिवर फ्लोज, लैंड जिस लैंड के ऊपर रिवर बहती है वो आएगा स्क्वायर किलोमीटर में। क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 9 सेंटीमीटर। अब आपको एक स्क्वायर बनाना है जिसका कि एरिया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब मुझे कैसे पता चला है कि एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि साइड नहीं, वो ऐसे कि इसका जो यूनिट है इसको देख के मैंने बता दिया कि ये एरिया गिवन है 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगर किसी चीज़ का एरिया 9 गिवन है, ठीक है, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, और वो स्क्वायर है, तो हमें पता होता है स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है एरिया। अब एरिया 9 है और ये हमें स्क्वायर गिवन है, तो 9 कैसे आता है, 3 × 3 से ही तो आएगा 9, तो इसकी हमें पता चली साइड्स होगी 3 × 3। तो स्क्वायर ए आपने बनाया और उसकी साइड्स आपने लिख ली 3 3, और इसके ऊपर लिख दिया आपने ए। अब बोला है ड्रॉ अनदर स्क्वायर विद डबल द साइड एंड राइट बियॉन्ड इट। अब एक और स्क्वायर बनाइए, जैसे यहाँ से मैं दूसरा स्क्वायर बना देती हूँ, और जिसकी साइड्स क्या होनी चाहिए, इसकी डबल होनी चाहिए, ए वाले की डबल होनी चाहिए। तो अगर ए की साइड 3 है तो डबल करो इसका, तो 3 + 3 कितना हो गया 6,
या तो 3+3 कर दो या फिर 3 × 2 कर दो। तो 3+3 या फिर 3 × 2 कितना हो गया 6। तो आपने यहाँ पे एक और स्क्वायर बनाया जिसकी साइड हो गई 6, ठीक है, और इसके ऊपर लिख दिया बी। अब बोला है आपसे द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज़, जो पेरीमीटर दूसरा मैं कलर यूज़ करती हूँ, द पेरीमीटर स्क्वायर ए, ए का पेरीमीटर बताइए। अब देखो पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड्स, यही तो होता है 4 × साइड्स। अब 4 एक साइड है क्या, 3 है, ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 4 × 3 क्या हो गया 12, तो यहाँ आ गया 12 सेंटीमीटर। ओके फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। नाउ सेकंड है द साइड ऑफ स्क्वायर बी इज़, अब स्क्वायर बी की साइड क्या है, हमने अभी निकाला था, क्या बोला था, डबल करना है ए की साइड को, तो ए की साइड को डबल करके हमें स्क्वायर बी की साइड मिल गई, वो है 6 सेंटीमीटर। ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, द एरिया ऑफ स्क्वायर बी, बी की बी जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना है। आपको पता है स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, ये स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है। अब आपके पास जो बी है उसकी साइड कितनी है, 6 है, तो 6 × 6 कितना हो गया 36, तो ये एरिया हो गया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज़ डैश टाइम्स द स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर ए, अब स्क्वायर बी का एरिया स्क्वायर ए के एरिया का कितना टाइम्स है, तो आपको स्क्वायर ए का एरिया पता है 9 और स्क्वायर बी का एरिया भी आपने निकाला 36, तो आप क्या करिए सिंपल सा, आपको निकालना है कितना टाइम्स है, तो 36 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 4। तो आप बोल सकते हैं द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज़ 4 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए, यानी कि अगर हम ए स्क्वायर जैसे 4 स्क्वायर ले, इस तरह के ए वाले 4 अगर स्क्वायर मिला लें तो मिला के वो स्क्वायर बी के बराबर हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, स्क्वायर बी का पेरीमीटर कितना है, तो साइड 6 है और 6 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता है 4 × 6 कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर बी का फॉर्मूला पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज डैश टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, नेक्स्ट लास्ट इज कि स्क्वायर बी का पेरीमीटर कितने टाइम्स है स्क्वायर ए के पेरीमीटर के, तो स्क्वायर ए का पेरीमीटर कितना है, तो पहले तो ए का पेरीमीटर निकालिए, ए की साइड है 3 और स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड, तो 12 आ गया ए का पेरीमीटर। ओके नाउ दोबारा से मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्क्वायर ए 3 सेंटीमीटर का और स्क्वायर बी हो गया 6 सेंटीमीटर का। अब पेरीमीटर स्क्वायर ए का कितना है 12 और स्क्वायर बी का पेरीमीटर कितना है 24, तो कितना टाइम्स है, तो 24 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 2 टाइम्स, यानी कि स्क्वायर बी का पेरीमीटर स्क्वायर ए के 2 टाइम्स है। कैसे, मतलब अगर मैं यहाँ से एक टेप लेके इंच टेप लेके यहाँ से मैं मेजर करूँ, तो इसको मैं 2 बार अगर मेजर करूँगी तो मिलके वो 1 बार भी बन पाएगा, तो ऐसे हम निकालते हैं टाइम्स, तो यहाँ लिख देंगे 2 टाइम्स। थ्रेड प्ले, टेक अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, आप एक 15 सेंटीमीटर का थ्रेड लीजिए और फिर उसे डिफरेंट शेप बनाइए बाई जॉइनिंग इट्स एंड ऑन द शीट। आपने जैसे एक थ्रेड लिया और उसको जैसे शेप बना दी, एक ये शेप बना दी, इस तरह से कोई ऐसी ऐसी शेप बना दी, कैसी भी शेप बनाइए, तो आपको ये तो पता है ना कि उसका पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर ही रहेगा, है ना। फिर पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर क्यों रहेगा, क्योंकि वो शेप ही इतनी बड़ी है, उसकी जो लेंथ है थ्रेड की वो है ही इतनी बड़ी। विच शेप हैज़ द बिगेस्ट एरिया, कौन सी शेप का बिगेस्ट एरिया है, विच शेप हैज़ द, अब जैसे शेप्स आपको दिख रही होंगी ना, जैसे इसने ऐसे थ्रेड मिला के शेप बनाई, इस तरह से आप अलग अलग शेप बनाइए और उसका एरिया निकालिए। एरिया कैसे निकालेंगे, हमने जैसे हाउ मेनी स्क्वायर्स जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि कितना वो स्क्वायर फुल कवर करेगी, और कितने अगर हाफ हैं तो 2 स्क्वायर को मिला के एक एरिया बनेगा, ठीक है। जैसे अगर एक मैंने शेप बनाई जो कि इस तरह से शेप ले ली, तो इसका एरिया कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। इस तरह से आप बनाइए अपनी अपनी अलग अलग शेप्स।